सरकार बदलनी है। निजी नलकूप समान योजना के किसानों को ट्रांसफार्मर दिए जाने की मांग के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल ने विकास भवन परिसर स्थित धरना स्थल पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह बिजली विभाग पर किसानों का करोड़ों रुपया दबाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, निजी नलकूप सामान्य योजना के तहत जो आवेदक किसान हैं उनका कई सौ करोड़ रुपया विद्युत विभाग पर जमा है। दो साल से किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा, जबकि पोल और तार किसानों ने अपनी बोरिंग करा रखी है। बिजली विभाग ने उनको पोल तार दे दिए, लेकिन बिना ट्रांसफार्मर के कोई बोरिंग चलेगी कैसे। अब बिजली विभाग उनसे पूरा पैसा जमा कराने की बात कह रहा है। तो हम लोगों ने पहली तारीख को अपर जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंप कर कहा था कि किसानों को तत्काल ट्रांसफार्मर दिया जाए, अन्यथा की तारीख में हम लोग 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आज हम किसानों के साथ आए हैं, किसानों की ये मांग है कि उनको ट्रांसफार्मर दिया जाए। जब तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता हम लोग आंदोलन करेंगे। ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों की बात सुनना नहीं चाहती। काफी दिनों के बाद पूर्व विधायक रामपाल यादव ने भी रालोद के आंदोलन में हिस्सा लिया और सरकार को खरी खोटी सुनाई। आवाज यहाँ की मुख्य मांग तो ये है कि किसानों का विगत कई साल से करोड़ों रुपया जमा है ये विद्युत विभाग पर, वो लोग किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो सरकार है किसानों के बिल्कुल विरोधी है, किसानों के हित का एक भी काम नहीं हो रहा है। किसानों का गन्ने का भुगतान बाकी है, किसानों का धान नहीं बिक रहा है, खाद महंगी है। तो किसानों के हित में जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे, और जिस स्तर तक उसको लड़ने की आवश्यकता होगी उस स्तर तक उसको ले जाने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत भाई आरपी सिंह चौहान जी ने किया है और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।